राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो दिल्ली टीम के प्रदेश महासचिव हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में रोहिणी में एक जन जागरूकता और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था के सभी पदाधिकारियों के साथ ही कई बड़े समाज सेवक भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में NHRCC भी राष्ट्रीय महासचिव गिरीश चंद्रा ने उपस्थित लोगों को मानवाधिकार को लेकर जागरूक किया और साथ ही संस्था की गतिविधियों के बारे में भी अवगत कराया। कार्यक्रम में आए सभी सामाजिक व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। हिमांशु शर्मा, जो कि अखिल भारतीय एकता संघ के दिल्ली अध्यक्ष भी हैं, जिनको हाल ही में दिल्ली रत्न के खिताब से भी नवाजा गया है। इसके साथ ही इंडिया अचीवर फोरम ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 के लिए भी हिमांशु शर्मा को चुना गया था। ऐसे में हिमांशु शर्मा के आने से संस्था का हर व्यक्ति खुश है और गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि इस संस्था के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अभिरंजन कुमार ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और उन्होंने कहा कि जो मकसद लेकर संस्था ने शुरुआत की है वो जल्द ही साकार होगा और हिमांशु शर्मा जैसे लोग संस्था से जुड़े हैं तो ये निश्चित तौर पर ये आगे भी नाम रोशन करेगा। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को जो मानवाधिकार के बारे में अवेयरनेस फैलाया जाए कि जो भी उनके मौलिक अधिकार है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिए हैं उसकी जागरूकता की कमी की वजह से जो वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं या उसकी कमी की वजह से वो अपने हक के लिए नहीं लड़ पाते हैं, उसके लिए हमने लोगों को जागरूक करने के प्लान से ही इस कार्यक्रम को आज किया था। संस्था से जो लोग जुड़े हैं या भी जो संस्था के लिए बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, होता क्या है कि आप काम करते हो लेकिन अगर उसकी रिकॉग्नाइजेशन कहीं ना कहीं होती है तो लोगों के अंदर एक मोटिवेशन होता है और अच्छे काम करने के लिए, तो उसी के लिए एक छोटा सा एप्रिसिएशन है जो संस्था ने जिन लोगों ने संस्था के लिए अच्छे से काम किया है उनको हमने छोटा सा एप्रिशिएट करने के लिए सर्टिफिकेशन किया। देखिए, हमारा जो ये हमने संकल्प लिया है युवाओं को जुड़ने का और इसमें युवा साथी और हमारी जो नारी शक्ति है जिसका आज आपने सबने प्रदर्शन देखा है यहाँ पे, तो नारी शक्ति को भी युवाओं को भी हमारे जो देश के बुज़ुर्ग हैं और हर वर्ग के लोग हैं हम उन सबको जोड़ के चलेंगे। और यस, क्योंकि ये यूथ की बात जो है तो यूथ का हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं बहुत ही जल्दी जिसके अंदर हम काफ़ी यूथ को साथ जोड़ेंगे। इसके लिए हम फंक्शंस काफ़ी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में भी कर रहे हैं, तो आशा करते हैं कि काफ़ी यूथ हमारे साथ जुड़ेगा क्योंकि यूथ के जुड़ने से ही हमारी शक्ति और बढ़ती है। पे हमें ये जानकारी देना था कि आपका ह्यूमन राइट्स, आपका क्या क्या राइट्स है इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना था, जागरूक करना था लोगों को, तो इसलिए हमने आज यहाँ का प्रोग्राम रखा था। और कुछ हमारे साथ लोग जुड़ना चाह रहे थे, कुछ हमारे साथ वाले यहाँ पे लोग काम कर रहे थे, तो हमने उनको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हमें दिया है। यही हमारा उद्देश्य था आज का। को देख के बहुत अच्छा लगा, उसकी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और हमें आप जब बुलाएंगे हम तैयार हैं आपके यहाँ आने के लिए, मदद करने के लिए।